अब हम लोग यहाँ पे फूल निकालते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग लड़ियाँ लगाने वाले को शुभ दीपावली। और अब मैं तैयार हूँ दिवाली के लिए। है फूलों से स्वस्तिक का सिंबल। तो हमने यहाँ पे अपने दिए जला दिए हैं। तो बड़ी मम्मी कर रहे हैं दिवाली की पूजा। मम्मी भी जला रहे हैं फुलझड़ी। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। फेंक फेंक। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नया व्लॉग में। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है दिन के करीब 1 बजे के बाद। तो आज है शुभ दीपावली। सबसे पहले तो मेरे और मेरी परिवार की ओर से आप सभी को हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू ऑल। हैप्पी दिवाली टू ऑल। हैप्पी दिवाली टू ऑल। विया सबको हैप्पी दिवाली बोल रही है। और तो विया ने तो सुबह सुबह ही दिवाली मना ली है। उसने तो सुबह सुबह इतने सारे पटाखे निकाले थे, पीपल के नीचे गई, पटाखे फोड़ के भी आ गई। और चलो पहले प्रीति को भी हैप्पी दिवाली बोल के आते हैं। तो यहाँ पे है प्रीति। हैप्पी दिवाली प्रीति। हैप्पी दिवाली। तो कैसी तैयारियां चल रही है? यहाँ देखो ऐसी तैयारियां चल रही है इधर। इसके यहाँ पे तो काम ही काम खुला है। इन लोगों के अभी कुलत रहते हैं तो प्रीति बिजी है। तो यहाँ पे है लिली और सोनी, इनको भी बोलते हैं हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। पे है लवली, लवली को भी बोलते हैं हैप्पी दिवाली लवली। और मैं लवली से परमिशन मांगने भी आई हूँ क्योंकि इसके यहाँ पे बहुत सारे फूल लगे हैं ना, तो मैं इसके यहाँ से ही फूल ले जाऊंगी। ले जाऊंगा फूल। थैंक यू। तो मिल गए हमें बड़े मम्मी। बड़े मम्मी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। तो अभी मैं और विया जा रहे हैं नए घर की, और वहाँ पे हम फूल की माला बनाएंगे गेट के लिए, और फिर फूल अपने साथ लेके आएंगे, फिर यहाँ पे भी बनाएंगे थोड़े मालाएं। तो दिवाली के दिन तो यही सब कुछ होता है। पहले साफ सफाई करो। अभी विया तो बहुत एक्साइटेड है। बच्चों को तो सुबह सुबह एक्साइटमेंट होती ही है। ये सुबह उठ के आ गई सबसे पहले, चलो बुआ ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तब मैं सो के भी नहीं उठी थी। मैंने कहा अभी नहीं, थोड़ी देर से करेंगे। हैप्पी दिवाली गाइस। तो आज हम अपने नए घर जा रहे हैं फूलों की माला लगाने, और घर में भी कुछ फूल लगाएंगे। चलो तो हम पहुंच गए हैं यहाँ पे गीतू लवली के घर के पास, और यहीं पे है हमारा घर भी। और यहाँ पे देखो फूल लगे हैं, बहुत सारे फूल लगे हैं। ये सारे गीतू ने लगाए हैं। और यहाँ पे भैया भी आए हैं फूल के लिए। हैप्पी दिवाली भैया। हैप्पी दिवाली। तो अब हम भी यहाँ पे फूल तोड़ लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे फूल निकालते हैं, और विया भी लग गई निकालने। अच्छे से निकालने, तो ऐसे देखो ऐसे पकड़ने, ऐसे तोड़ने, ठीक है? तो अभी ना हम लोगों ने फूल ले लिए हैं यहाँ पीछे से। अब चलते अपने नए घर के पास। यहाँ पे हम गेट के ऊपर के लिए एक माला बनाएंगे। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अपने नए घर के पास, और यहाँ पे अब हम बनाएंगे माला। हेलो गाइस। सो गाइस, अभी हम आ गए अपने नए घर में माला बनाने। उसके बाद हम अपने पुराने घर में बनाएंगे माला। हेलो गाइस, माला बनाना शुरू करते हैं। तो अब हम करेंगे यहाँ पे माला बनाना शुरू, जिसके लिए कि मैं धागा और सुई अपने साथ लेके आई हूँ घर से। आप मुझे फूल निकाल के देते रहना, ठीक है? ओके 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 ओके। देखो कुछ इस तरह की माला बन रही है फूलों की। एक माला बन चुकी है हमारी गेट के लिए। अब इसको लगाते भी हैं। और ये जो माला हमने बनाई है ये हम यहाँ ऊपर बांधेंगे, तो देखते हैं कैसी लगती है। ये बेंच लाना पड़ेगा इधर आराम से। तो गाइस अभी मेरी बुआ यहाँ पे माला लगा रहे हैं, और हमने चाबी घर से लाई नहीं थी, इसलिए हमने बेंच ले आए खींच के यहाँ पे। तो मेरी बुआ ऐसे यहाँ पे लटक के लगा रही है। वाओ अच्छी हो गया ना गाइस। मेरी बुआ ने माला लगा चुकी है। ये देखो गाइस, अब हम बेंच वापस ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे गेट के ऊपर माला लग चुकी है, और यहाँ पे हमें एक ही माला लगानी थी, इसीलिए यहाँ पे ये माला लग चुकी है। और बाकी बचे हुए फूल हमें ले जाने हैं अपने घर, और वहाँ पे हमें बहुत सारी माला बनानी पड़ेगी। तो चलते हैं अब घर और फूल भी ले जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ओम भी बना दिया है नीचे फूलों से, और यहाँ पे हमारी फूलों की माला भी लग गई है नए घर के पास। तो हम इतना ही कुछ करेंगे, और विया चल पड़ी, बोर हो गई है यहाँ पे।
तो अभी मैं और विया अब आगे फिर से थोड़े फूल और चाहिए हमें, थोड़े फूल और निकालेंगे फिर चलते हैं अपने घर की और वहाँ पे भी हमें बहुत सारी माला बनानी है। तो अभी मैं फिर से थोड़े फूल निकालने आ गई हूँ और विया मेरी कैमरामैन बनी है, क्योंकि घर में हमें ज़्यादा फूल लगते हैं इसीलिए थोड़े ज़्यादा चाहिए। इधर लवली ने सब्जी भी लगाई है तो ध्यान रखना पड़ेगा कि इस पर पाँव ना रखें। अब चले मैं और विया घर, तो चलते अब आपसे मिलते हैं, घर पहुँच गई। तो अभी ना हम घर पहुँच चुके हैं और रास्ते में ना हमें सांप भी मिल गया, इतना बड़ा सा और मोटा सा था। अविया ने भी देखा, कैसा लगा सांप? गंदा गंदा था। और अभी अवनी भी आई है। अबू हैप्पी दिवाली। थैंक यू। अबू की तो खिड़की भी खुली है दो यार, ओहो हो। तो ये फूल लेके आए हैं हम इतने सारे और अब बनाते हैं माला यहाँ पे भी। तो घर आके हमने माला बनाना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहली माला हमने बनाई अपने घर की बावड़ी के लिए, जो हमारे घर में पानी वाली बावड़ी है उसके लिए हम सबसे पहले माला बना रहे हैं। हर साल हम वहाँ पे माला लगाते हैं। तो ये माला देखो, इतनी बड़ी माला लगती है वहाँ पे। तो ये देखो माला बनके तैयार है और राहुल भाई यहाँ पे लगा रहे हैं दरवाजे के ऊपर। राहुल भी अपना पूरा सहयोग दे रहा है। माला लग रही है दरवाजे के ऊपर और सुंदर लगती है फूलों की माला। तो पुराने घर के सभी दरवाजों पे ये फूलों की माला लग चुकी है, यहाँ पे भी लगी है और वहां पे भी लगी है। तो ये हमारी लास्ट की मालाएं बन चुकी हैं, अब इनको लगा लेते हैं दरवाजों पर। चलिए चलो चलो। ये है लास्ट दरवाजा और इस पे लग रही है माला, मंगलमय दीपावली। मधु जी का मैंने नया नाम रखा है मट्टो। मट्टो इधर देखो। तो हमने माला लगा दी है दरवाजों के ऊपर और खिड़कियों के लिए हमारे पास फूल नहीं बचे तो हम दरवाजों पे ही लगा रहे हैं। लगा हाँ, अभी हमें थोड़ा लाइटिंग का काम भी करना है। इस बार हम लाइट्स लेके आए हैं तो उनको भी लगाएंगे। हम रंगोली बना रहे हैं। हाँ भैया, क्या कर रहे हो जल्दी बताओ? रंगोली बना रहे हैं। बताओ जरा क्या है ये, समझ तो आ नहीं रहा इसमें कुछ, क्या बनाए? यहाँ पे अभी हम लोग लड़िया लगाने वाले हैं। इस बार हम ये भी लेके आए हैं लाइट्स भी, पिछली बार तक हमने कभी नहीं लगाई, इस बार पहली बार हम लाइट्स भी लगा रहे हैं। तो अभी हमने यहाँ पे लाइट्स लगा दी है, अब रात कौन होगी। हाँ जल रही है, तो हमने लाइट्स भी जोड़ दी हैं, थोड़ी बहुत लाइट्स थी वो भी जोड़ दी हैं और अब इनको रात को ऑन करेंगे जब थोड़ा अंधेरा हो जाएगा। फिलहाल के लिए अब नहाते धोते हैं, तैयारियाँ सारी हो चुकी है और खुद अब तैयार हो जाते हैं। दिए तो अब शाम को जलाने हैं ना, उससे पहले अब नहाते हैं खुद और नए कपड़े पहनते हैं, जो भी दिवाली के दिन किया जाता है। और साथ में ही हमारे चैनल पे हो गया 150 के सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप लोग, आप सभी का दिल से शुक्रिया। और एबर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए। और जो आप कमेंट करते हो, मैं तो कमेंट्स पढ़ता हूँ, सारे कमेंट्स में पढ़ता हूँ, भले ही रिप्लाई नहीं करता। मुंह अपील लगा दो तो मुझे वोट कीजिए। आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो और मैं कमेंट्स भी पढ़ता हूँ। और कई बार आपने देखा होगा मेरा कमेंट पिन भी किया होता है पहले नंबर पे, तो हम उसमें थोड़ी बहुत बातचीत भी कर लेते हैं। तो और आपके परिवार को शुभ दीपावली, आपकी दीपावली बहुत मंगलमय हो और लक्ष्मी जी आपके घर में पधारे। हम दोनों की ओर से आपको और आपके परिवार को शुभ दीपावली। और सामने होने वाला है सनसेट। दिवाली के लिए कुछ ऐसा गेटअप है मेरा, धाटू पहना मैंने वही, क्योंकि आज सुबह ही पहना था मैंने। ऊपर से व्हाइट कलर की बास्केट है और ग्रीन कलर का सूट है। तो आप लोग भी बताओ मैं कैसी लगी हूँ। और मैं टॉप्स भी पहने आज घर पर, चाहो तो मैं बटन भी लगा सकती हूँ। और अब मैं तैयार हूँ दिवाली के लिए। हैवी दिवाली। सनसेट पूरा हो चुका है तो दिन को जितनी भी दालें हम सुखाने को रखते हैं, अभी शाम के लिए इनकी क्लोजिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी दिवाली भी मनानी है सिलेंडर पे, तो यहाँ हो रही है क्लोजिंग। तो यहाँ पे हमने बनाया है फूलों से स्वस्तिक का सिंबल और विया बना रही है रंगोली। तो मैंने यहाँ पे बनाई है रंगोली, ये वाली रंगोली मैंने अभी बनाई और पहली बार मैंने ये बनाई है। साथ ही में ये बनाया हमने स्वास्तिक का साइन। और विया ने देखो यहाँ पे कितनी सारी बनाई है, ये भी विया ने बनाई है, ये भी विया ने बनाई है, ये भी विया ने बनाई है। यहाँ पे ये मैंने बनाई है और ये मैंने बनाया है।
तो हमने यहाँ पे अपने दिए जला दिए हैं। जला देंगे। और देखो जी, ये हमारे दिए जल चुके हैं। तो बड़ी मम्मी कर रहे हैं दिवाली की पूजा, और इसमें है घी का दिया, मिठाई, खिले और पताशे और धूप। अब पूजा करने के बाद ही हम अपनी दिवाली शुरू करेंगे। तो दिवाली की तैयारियां पूरी हो गई है और शाम भी हो गई है। और हटो व्यू, ये आया अनार। लो जी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली भाई। और जो हमारी घर के बावड़ी है उसके पास भी हम दिए जलाते हैं दोनों साइड। और देखो विया फुल जड़ी जलाते हुए, चलिए हैप्पी दिवाली बेटू। लो जी, मम्मी भी जला रहे हैं फुल जड़ी। हैप्पी दिवाली मम्मी। दिवाली ये तो बुझ गई, हैप्पी दिवाली राहुल भैया। ये कौन आई है हमारे घर, देखते हैं जरा। हैप्पी दिवाली, मैंने रंगोली बनाई, कैसी है? बहुत अच्छी है। हाँ जी, आपके लक्षण से ज्यादा अच्छी। मैंने YouTube से देख के बनाई है ये, जबकि मैंने रंगोली थोड़ा कम यूज की है। विया जला रही है दो दो अनार। लो शाबाश विया। हैप्पी दिवाली पिताजी, इधर देखो। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। तुम सब लेके गए मेरे पुल दौड़ लेके देश। दिवाली का भोग भी आ गया है यहाँ पे, अब भोग खा लेते हैं। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, थैंक यू। तो अभी पापा भी आ गए। जल गया। राहुल और विया जला रहे हैं पटाखे और थोड़े अनार। बाकी इधर हमारा घर और इधर भी हमारा घर। अब मैं चली हूँ प्रीति के घर मिठाई देने, क्योंकि इस दिन सारे अपने पड़ोसियों को मिठाई बांटते हैं। प्रीति जला रही जलेबी। हाँ जी, लो भाई, ठीक है। जब नहीं सकता अभी राहुल और विया भी आ गए। अब तो आएंगे तो अंगना से जाऊंगी। या नाच तो रो। प्रीति ने निकाला अपना पिटारा, जका बॉम्बा जड़। हटो 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 राहुल, हटो। मैं क्या बोल रही हूं, ये गई प्रीति बॉम्ब फाड़ रही है सीधे। अरे और जा सब बड़े आड़ो बड़े आड़ो से मैं कुबला रहा हूं। फेंक फेंक प्रीति, नेट भाई। तो सामने है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और वहां पे फाड़े जा रहे स्काई शॉट। तो डिनर करने के लिए मैं आ गई हूँ प्रीति के घर। मैक्सिमम हर साल मैं खाना दिवाली के दिन इसी के घर पे खाती हूँ, लेकिन यहाँ पे इंडरे नहीं बने थे, वो मैं अपने घर से लेके आ गई। और यहाँ पे ये द्वारा से आग जला रही है, क्योंकि तब हमें आग सेकनी होती है, गप्पे मारनी होती है। इसके घर पे अभी अब खाना खाने वाली सिर्फ यही रह गई है, बाकी सबने खाना खा लिया है। तो मैंने सोचा इसको कंपनी देती हूँ और साथ में खाना खाएंगे। तो अब हम करेंगे डिनर। डिनर में है बालड़ी की दाल और चावल और इंडरा, जो कि मैं अपने घर से लाई हूँ, बाकी प्रीति ने बनाया है। तो डिनर करने के बाद अब मैं चल पड़ी हूँ अपने घर की ओर। आजकल आज के दिन सबके घरों की चमक रही है लाइट्स सबकी जगह, और पीछे तो पटाखों और बम की आवाज़ आ रही है। डिनर के बाद क्या होता है ना, गांव के जितने भी लड़के वगैरह हैं वो जाते हैं पीपल के नीचे और अपने अपने साथ पटाखे और बम वगैरह ले जाते हैं वहाँ फाड़ने के लिए। तो राहुल भी गया है हमारे घर से, बाकी मेरे कज़न वगैरह भी गए हैं, जो भी थोड़े यंग बॉयज़ होंगे, मतलब जो स्कूल में पढ़ते हैं कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वो सारे पीपल के नीचे अलग से अपनी दिवाली मनाते हैं डिनर के बाद। और रात को देर से आते हैं, फिर 11-12-1 बजे तक।
और अभी डिनर भी कर लिया है और दिवाली भी मना ली है। तो आप लोग कमेंट में बताना आप लोगों की दिवाली कैसी रही। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम और अब मैं सोने आ गई हूँ। तो दिवाली का दिन इसीलिए भी खास होता है क्योंकि सब लोग एक्साइटेड होते हैं कि दिवाली होगी तो घर जाएंगे, अपने घर वालों के साथ मनाएंगे। जैसे मैं अभी, और सबसे अच्छी बात होती है कि जैसे अभी सारे लोग फोटोज डालते हैं, सब अपने घर परिवार जाते हैं। मे बी आप जॉब कहीं भी करते हो लेकिन दिवाली एक ऐसा त्यौहार होता है जो आप चाहते हो कि आप घर पर मनाओ, और सारे ही कोशिश करते हैं कि दिवाली के लिए घर जाएं और एक गेट टुगेदर हो जाता है फैमिली का। नहीं तो आजकल किसी भी फैमिली को ना साथ रहने का मौका ही नहीं मिलता है। नौकरी की वजह से बच्चों को दूर जाना पड़ता है, घर में बेचारे माँ बाप अकेले रह जाते हैं, और फिर जब सारा परिवार साथ होता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत खुशी आती है। और ये ही शायद दिवाली का मीनिंग है कि सबके लिए खुशियाँ लाना। तो आई होप आपके जीवन में भी बहुत सारी खुशियाँ आएँ। और मैंने इस बार दिवाली पर जो नई चीज़ की है वो ये है कि मैंने रंगोली बनाई, छोटी सी ही सही पर मैंने पहली बार रंगोली बनाई है। इससे पहले मैंने कभी भी नहीं बनाई थी, वो तो विया लेके आई थी कलर्स कि हम रंगोली बनाएंगे, तो मैंने सोचा मैं भी कोशिश करूँगी। बाकी तो मैं दिए तो मैं हर साल ही जलाती हूँ दिवाली के दिन, और इस साल नया बस यही था कि मैंने रंगोली बनाई और हमारी दिवाली बहुत अच्छी रही है। आई होप आप लोगों की दिवाली भी बहुत अच्छी रही होगी। आप कमेंट में बताना आप लोगों ने क्या क्या किया। और मैंने ज़्यादा पटाखे और बॉम्ब वगैरह नहीं फोड़े, थोड़ा डर भी लगता है, और मैंने बस एक फुलझड़ी जलाई थी। और राहुल वगैरह तो अभी पीपल के नीचे गए हैं, पता नहीं कब तक वापस आएगा। आज का व्लॉग आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज मुरली वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर। हमारे लिए ना दिवाली ऐसी होती थी कि जब हम सारे घर में होते थे, दीदियाँ और भैया वगैरह सारे, तो पूरा दिन हम सफाई करते थे। कोई माला बना रहा है, फूलों की माला बना रहा है, बहुत सारे फूल इकट्ठे करके लाना है, तो हम चाहते हैं कि अभी भी हम कुछ ऐसा ही करें। तो अभी भी हम लोग फूलों की माला बनाते हैं। आर्टिफिशियली बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे लाइट्स हो गई और जो प्लास्टिक के फूल वगैरह हो गए मिल जाते हैं सजाने के लिए, कागज़ के जो शुभ दीपावली लिखा होता है, ये सारी चीज़ें डेकोरेशन के लिए मिल जाती है। लेकिन जो नेचुरल तरीके से हम मनाते थे दिवाली, मुझे लगता है उसका असली सेंस उसी में है, और अगर हम उसको उसी तरह से मनाएं। मेरी ओर से आप सभी को अगेन हैप्पी दिवाली, और ये दिवाली आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए। चलिए मिलते हैं और नए व्लॉग में, तब तक बाय बाय। हम दोनों की ओर से आपको मेरी तरफ लाओ तो बोले मैं चलते 1 2 3 गो। हम दोनों की ओर से आपको और आपके परिवार को शुभ दीपावली।